हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो आप सभी को स्वागत है अपने ही चैनल पर। फ्रेंड्स, सुबह की 5 बज गई है और आज दिन है फ्राइडे, तारीख है 12 मई। तो मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करी है सुबह की 5 बजे से और मेरा 2 दिन ब्लॉग नहीं गया है। सो पहले आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़ कभी कभी मन होता है ना कि मैं नहीं करूँगी आज कोई भी काम, मन नहीं है, मन नहीं करता। मेरे को 2 दिन से ऐसा ही कुछ लग रहा था, ना ही वीडियो बनाई, ना ही तो कुछ भी नहीं, एकदम मतलब मन ही नहीं किया। मैं सोच चलिए आज मैं डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मेरा चैनल ख़राब हो जाता है और फिर आप लोग, एक दिन अगर मेरा वीडियो गैप होता है तो व्यू आना बंद हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और व्यू जब नहीं आता ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज़ वैसा ही चीज़ कहाँ गड़बड़ रहती है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बताया कीजिए, कॉमेंट्स किया कीजिए। मुझे आपका कॉमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, मुझे एक अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह उठ गई थी, उठने के बाद थोड़ा टाइम बैठी थी मैंने उसके बाद, और अभी ना 2-3 दिन से बहुत बहुत तेज़ गर्मी है। आप लोग के तरफ कितना, कैसा गर्मी, कैसी मौसम है? हमारे यहाँ तो इधर तो मुंबई में बहुत तेज़ गर्मी बढ़ा दी है, जब से ये मई जब से स्टार्ट हुई ना तब से इतनी तेज़ गर्मी स्टार्ट हुई है, दिमाग ख़राब हो जाता है। गार्डन भी जाते हैं लेके बच्चों को, फिर भी वहाँ पर हवा भी नहीं चलता है, थोड़ा सा किचन जाओ पूरा पसीना पसीना हो जाती है। और यहाँ पर आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि कल गर्मी की वजह से मैंने रात में कोई काम नहीं की थी फ्रेंड्स, कोई काम नहीं। तो मैंने अभी सारा झाड़ू उड़ू लगा के अभी रख दूँगी कचरा बाहर, नहीं तो भैया आएंगे, कचरा वाला भैया फिर लेके जाएंगे। भैया नहीं रहती, दीदी रहती है सर, वो आएगी, वो फिर लेके चले जाएगी। झाड़ू लगी थी, बस झाड़ में पानी डाल देती हूँ, और झाड़ में पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी की वजह से तुरंत झाड़ में पानी सूख जाता है और तुरंत मुरझा जाते हैं फूल। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दी है, साथ ही साथ मैं तुरंत लगे हाथ पोछा भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे वॉक पर जाना है थोड़ा 10-15 मिनट, क्योंकि और गोलू उठ चुकी है, गोलू साइड में खड़ा कर दी हूँ, वो नींद में है पूरा। मैं बोली कि अभी सो जा, मैं पोछा लगा के मैं लेती हूँ, तो उसको फिर से लेटा दूँगी तो वो सो जाएगी। और मैं यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी बहुत तेज़ गर्मी था, सुबह 5 बजे रही है ना, अभी भी बहुत तेज़ गर्मी है फ्रेंड्स। पता नहीं इतना गर्मी कैसे एक बैग स्टार्ट हो गया, पता नहीं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद किचन थोड़ी सी बची हुई रात में, और जूठा किचन को मैंने बर्तन वगैरह धो ली थी, बस प्रॉपर मैंने साफ़ नहीं की थी किचन। तो एक बार अभी मैं अच्छे से खिड़की वगैरह कपड़ा लेके अच्छे से पोंछ देती हूँ, ताकि अच्छा थोड़ा फ्रेश हो जाए। और रात में तो ऐसा उल्टा पलटा मैंने पोछा लगाई, गर्मी से मुझे सहन नहीं हो रहा था, तो इसके वजह से। तो चलिए, क्योंकि मेरे जो इमरजेंसी फ़ैन होती है वो नहीं है यहाँ पर किचन में, पूरे जो गर्मी होती है पूरा घूम घूम रहता है घर में, और पूरी घर गर्म हो जाता है, और ऊपर छत है और छत गर्म हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, साथ में मैंने पानी गर्म कर ली थी तो वो ठंडा हो चुका था, तो मटके धो के मटके में डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए हैं, दिन भर पानी पी पी के ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने आ गई हूँ अपना वक्त पर, आज तो ज़्यादा मैंने नहीं की थी, बस 20 मिनट किए हूँ, कि काफ़ी लेट हो गई थी। और मुझे आज बॉडी पूरा हैवी हैवी लग रहा था, मुझे जाने का मन भी नहीं किया, सुबह हो गया था पूरा 5:30 बजने में, कम से कम 15 मिनट बचा था फ्रेंड, तभी मैं गई थी वॉक पर। तो चलिए, मैं 10-15 मिनट 20 मिनट की थी वॉक और सीधे घर आ गई थी। तो आज मैंने बनाने जा रही हूँ बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी सी नाश्ता बनाऊँगी। तो ये वाला बोलते हैं अप्पम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे उतना कंफ्यूज हो रही है कौन सा नाम क्या बोलते हैं इसको। आप लोग अगर पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसके लिए लिए हूँ दही 2 कप, उसके बाद 2 कप नहीं सॉरी 2 कप ली हूँ सूजी, और मैंने 1 कप ली है दही। मेरे पास इतनी दही थी, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फूगा फूगा बनता है, स्पॉन्जी बनती है ये अप्पम। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, नमक डाल दी इसको अच्छे से, हम ज़्यादा पानी नहीं मीडियम में डाल के इसको कम से कम छोड़ देंगे हम 10-15 मिनट, जब तक मैं नहा के निकलूँ तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा बेटर, जो सूजी है फूल के अच्छे से हो जाएगा। तब तक मैं थोड़ा सा गाजर छील के एक में बारीक बारीक कट कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर मेरे को किचन में ज़्यादा टाइम मतलब समय नहीं देना है, जो भी है नहाने से पहले मतलब थोड़ा मोड़ा काम करके ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, और देखिए बारीक बारीक पूरा गाजर काटेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ उत्तपम, ये परी का फरमाइश है, ये वाला खाना है, वो तो देखते हैं ना यूट्यूब में बच्चे, उसको लनवत परी कुछ बना रही थी, उसका देखी थी, बोली थी मुझे ये खाना है मम्मा,
तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। और हम बारी बारी काटेंगे, बस सिर्फ मैं गाजर डालूँगी क्योंकि गाजर ही खाएंगे बच्चे। तो गाजर उजर कटिंग करने के बाद मैं नहाने चले गई थी फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम तो नहाने के बाद सीधे डायरेक्ट आ जाती हूँ पूजा, थोड़ा सूर्यदेव को पूजा करने के बाद जो मेरा डेली पूजा होती है वो कर लेती हूँ। और आज है फ्राइडे, तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से एक अपने घर के प्रति कुछ बताने वाली हूँ। क्योंकि जब ये फ्राइडे के जो रहती है ना, यहाँ पर आप जो बोलते हैं पूरे घर में धुआं करने का, तो वो करती हूँ, जिसको बोलते हैं धुआं धुआं घर में पूरा जलाया जाता है, तो मैंने उसके लिए लिए हैं। अब जितना फूल वाला जो लौंग आती है वो लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, आप चाहे तो बतासा ले सकते हैं, बतासा बहुत अच्छा रहता है। हमने इसमें कपूर ली है, दो इलायची ली है क्योंकि वो हमारे लक्ष्मी माता लौंग, लक्ष्मी माता कितनी लक्ष्मी माता पर चढ़ते हैं हमारे, काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने ऐसा पूरा जैसे हवन बोलते हैं वैसा अपने हवन के अपने पूजा करके ब्रह्मदेव को, उसके बाद मैंने पूरे घर में इसका धुआं दिखाऊंगी। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी जो एलर्जी है वो बना रहता है, नेगेटिविटी जितनी भी रहती है वो दूर रहती है। तो देखते हैं, हमारे बच्चे सब सोए हैं और हमारा पूजा हो रही थी अभी, तो पूरे घर में धुआं लगाते हैं, बेडरूम वूम जितनी भी है, बालकनी वगैरह जितनी भी है, सारा मैंने हर जगह इसको धुआं धुआं पूरे घर में लगा दी है। तो अच्छा रहता है हमारे घर में, नकन सकारात्मक आत्मा हमेशा बने रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदा रहता है। बोलते हैं 45 डे ये अगर आप करो तो आपके घर में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं अपने घर की सुख संपत्ति के लिए, सुख शांति के लिए, अपने घर परिवार अपने बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हलूचन आई थी, किचन में कड़ी पत्ता नहीं थी, तो मैं नीचे जा रही हूँ, अभी नारियल ख़त्म हो गई थी और कड़ी पत्ता नहीं थी, तो वो लाने जाती हूँ और नारियल लेके आती हूँ। चावल भी नहीं है, चावल के साथ बज गया 7:30। तो देखते हैं दुकान खुला होगा तभी। तो उतना दुकान नहीं खुला था, बस थोड़ा मोड़ा खुला हुआ था। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बनाना ले लिए है 1 दर्जन, और कुछ धनिया पत्ता कड़ी पत्ता ये सब लिए हैं। बोल रही थी मैंगो कैसे कलिंगा बहुत महंगा, बस 100 रुपया बता रहा था। मैं बोली अभी इतना पैसा नहीं लाई हूँ मैं, बाद में लेके जाऊँगी। तो घर आने के बाद फ्रेंड्स, हमने तवा चढ़ा दी है, कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके बाद उसमें सरसों का हल्का सा तेल डाल दी हूँ, आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज और गाजर को अच्छे से बारीक बारीक एकदम फाइनल चॉप कर लिए हूँ। उसके बाद इस तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा राई के दाना, उसके बाद कड़ी पत्ता, प्याज, बस 2 मिनट तक इसको भूनेंगे हम, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो गाजर है वो डाल देती हूँ, बस इसको 2 मिनट तक भूनूँगी, थोड़ी सी क्रंची रहता है तभी इसका स्वाद अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा डालने के बाद डाल देती हूँ इस बैटर में, जो हमने सुबह बैटर बना के तैयार करके रखी थी उसमें, इसको हमें अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसका नाम मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेंशन में। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, ये वाला भी गर्म हो चुका था, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, आप चाहे तो घी डाल सकते हैं। तो हम इसमें हल्का हल्का तेल डाल दी हूँ, देख सकते हैं। और ये जो बैटर हमने बना के रेडी की है वो इसमें चम्मच से आप छोटा छोटा साइज में डालते जाइए। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी परी, बहुत अच्छे से खा ली, काफ़ी दिन के बाद बनाए। देखिए बच्चे जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ उसको मन करने लगता है खाने के लिए। तो हम माओं के तो फरमाइश पूरा करने का एक तो चैलेंज है, बच्चे बोले बस माँ तैयार कर देती है, जैसे भी तैयार करो, रहो या ना रहो घर में कोई भी सामान। यहाँ पर इस तरीके से हम सारा बना देती हूँ और उसको दे देंगे। ज़्यादा तेल नहीं है फ्रेंड्स, मैंने हल्का हल्का ही तेल डाली है, बस इतने ही तेल में मैं सारा या क्या बोलते हैं इसको अप्पम ने क्या बोलते हैं सारा बना के मैं रेडी करूँगी। तो मैं पलटी कर देती हूँ इसको और धीमी आँच पे पकाइए इसको, ज़्यादा इसका गैस फास्ट रहेगा तो ये जल भी सकता है। तो अब इसमें थोड़ा सा यहीं वहीं खड़ा होकर स्लो में पकाइए, जल्दी पक जाती है और क्रंची भी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है। अब सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को लिए टिफिन के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। तो ये देखिए, पहली बार बहुत दिन के बाद बनाई हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा बना था,
सब फूगा फूगा बना था, मैंने थोड़ा थोड़ा डाली थी, लेकिन बहुत अच्छे से बने थे ये। तो इसी तरह मैं सारा इसको पलटी कर कर दूंगी। बस बन के रेडी हो चुका है, तो सारा मैंने निकाल दूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा सारा बन चुका है, बस लास्ट था ये। इसको ढक के 2 मिनट पकाऊंगी, तब तक हम नारियल भी लेके आए थे। इसको नारियल को फोड़ के इसका पानी निकला, वो मैंने परी को दे दी पीने के लिए, वो पानी पी गई है। मैंने यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी था, मैं किचन में नहीं रह पाई, तो मैं इधर पंखे के नीचे बैठ के और नारियल को पीसेस बना रही थी। उसके बाद इसमें मैंने धनिया पत्ता, थोड़ी सी नमक, हरी मिर्च डाल के इसको चटनी बना ली है। फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तो तड़के में लगा रही हूँ थोड़ी सी सरसों का दाना, उसके बाद कड़ी पत्ता। इसको 2 मिनट चलाऊंगी, फिर चटनी जस्ट तुरंत डाल दूंगी। चटनी को ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी कढ़ाई में ही पकाएंगे, ना तो चटनी फट जाता है, मेरे से फट जाता है, बाकी पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो इसको मैं 2 मिनट तक चलाऊँगी अच्छे से, उसके बाद इसको कटोरी में निकाल के रख दूँगी। और ये मेरा अप्पम बन के रेडी हो चुका है। देखिए कितनी टेस्टी चटनी लग रही थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो देखिए आप लोग भी आइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए, और ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि ये कितनी टेस्टी बनती है, कितनी हेल्दी भी है, अच्छा लगता है, बच्चे लोग को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर लगे हाथ मैंने किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, तो अगर गंदा रहता है थोड़ा किचन तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो साथ ही साथ हमने किचन भी क्लीन कर ली है, बस ये कढ़ाई वढ़ाई जो भी है वो भी धोना उना है मुझे। तो चलिए सभी को नाश्ता दे देती हूँ, और सॉरी नाश्ता नहीं दे रही हूँ, बच्चे लोग अभी मोरी घुस के नहा रहे हैं सब, भाई भी नहा रहा है। तो यहाँ पर हमने तब तक आगे बेडरूम में थोड़ा सा झाड़ने के लिए झाड़ू लगा देती हूँ ये भी। तो सुबह से वो लोग लेट से सो के उठा है, तो ये बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं सरियाई थी, तो इधर आ गई थी बेडरूम में, थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ और थोड़ा बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी। तो ये अभी ना तो हर जगह काम हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा बच गई थी, तो ये भी थोड़ा सा मन खुटखुट लग रही थी कि कब ख़त्म करूँ मैं। और तो पूरे यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, और मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ गोलू मेरी पीछे पीछे घूमती है, यहाँ सब कपड़े को स्टेपल मार रही थी, स्टेपल से मार रही थी, देखिए ऐसा बिछा बिछा के। तो चलिए झाड़ू मेरा लगाने के बाद पप्पू नहा निकल गया, मेरा कपड़ा जो भी धो के रखी थी मैंने वो बाहर रख देता है गलेरी में, खाली घाट दूंगी बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए सभी को नाश्ता दे देती हूँ, आप लोग भी आइए नाश्ता कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी सी ब्लॉग आज मेरा लंबा हो चुका है, कोई भी गलती होती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बच्चों लोग को पूछी मैंने कैसा बना है, तो लोग बोला बहुत टेस्टी बने हैं, अच्छा लगा, तो सभी का प्लेट में दे देती हूँ, आप लोग भी लीजिए खा लीजिए, पहले आप लोग खाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। परी कैसा बना है? तो देखिए परी को पूछ रही थी कैसा बना है, तो परी बोली बहुत अच्छा बना है। अब मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, मेरा दूसरे के मोबाइल जैसा मेरा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मेरा मोबाइल ऐसे भी इसी तरह बहुत मतलब कम दाम के है, बिल्कुल भी अच्छा उतना नहीं आता है इसका फिगर। तो थोड़ा सा आ गई हूँ नाश्ता वगैरह करने के बाद गलेरी में, और बज गई थी 9 बज गया था फ्रेंड्स, 9:30 बजे आज मेरा सारा काम हो गया, नाश्ता पानी सभी का हो गया, जो भी कपड़ा वगैरह था वो भी हो गया, बच गई थी दोपहर का खाना। तो आज है शुक्रवार ना,
देखूंगी कुछ बनाऊंगी सिंपल से खाना, क्योंकि गर्मी में होता नहीं है खाना खाने के लिए, तो कुछ सिंपल से बना दूंगी। दाल चावल वगैरह, पापड़ है, पापड़ से सब खाना भी खा लेंगे दोपहर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप सब। मेरा दो दिन से ब्लॉग नहीं गया है, तो अभी मैंने सारा काम जितने भी मॉर्निंग का था मेरा हो चुका है, बच गया दोपहर का खाना, वो मैं बाद में बनाऊंगी। जो भी जितनी भी काम थी हो गई, अभी 8:30 बज गया फ्रेंड्स। तो क्योंकि लेट से उठे बच्चे ना, मेरा सारा काम तो 8 बजे हो गया था, पर बच्चे लेट से उठे तो अभी वो लोग नाश्ता की हो गया, नाश्ता उस्ता, मतलब जितने भी काम थी गर्मी होने से पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मेरा आज की ब्लॉग कैसी लगी आप लोग को? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्माइल करके। फिर मिलेंगे हम एक अच्छी सी ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।